यही धर्म है मोक्ष पथगामी, मध्यम मार्ग सरल, पांच अनुशीलन हैं इसके, मानव पालन कर सत्कर्मों की पूंजी बना ले, प्रेम भाव अविरल, कर्मों को अपना धर्म समझ ले, करना किसी से न छल, ऐसे ही महान विचारधारा से जुड़ जाएं। चैनल नंबर 466 यूसीएन बुद्धा पर, यूसीएन बुद्धा पर। नमस्कार, आज 26 नवंबर यूसीएन बुद्धा चैनल के सभी दर्शकों को संविधान दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, 26 नवंबर 1949 ये दिवस भारतीय इतिहास में, इतिहास के पन्नों पे स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया एक दिवस है। क्या इस दिवस का महत्व है, क्यों हम इसे संविधान दिन के तौर पर मनाते हैं, हमारे संविधान की क्या विशेषताएं हैं, आइए आज संविधान दिवस के इस अवसर पर ये कुछ चीज़ों को जानने का हम प्रयास करें। दोस्तों, भारत को जब अंग्रेज़ों से स्वतंत्रता मिली, उस समय हमने एक चीज़ हमारे लिए ठान ली थी कि भाई यदि इस देश को, हमें इस देश में यदि भारत राष्ट्र का निर्माण करना है, इसके लिए कुछ स्वप्न हमने देखे थे और यदि इन स्वप्नों को हमें साकार करना था तो हमें स्वयं हमारे लिए अपना संविधान बनाना ये बहुत ज़रूरी था। इसीलिए भारतीय संविधान के बारे में जब हम सोचते हैं, बात करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण चीज़ जो हम ध्यान में रखते हैं कि यह ऐसा संविधान है जो हमने स्वयं हमारे लिए बनाया हुआ संविधान है। और मैं ये भी मानती हूँ कि यही चीज़ शायद हमारे संविधान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ये ऐसा संविधान नहीं है जो अंग्रेज़ों ने हमें भेंट स्वरूप में दिया था, पर ये वो संविधान है जो हमारे लोगों ने, हमारे प्रतिनिधियों ने हमारे लिए बनाया हुआ एक दस्तावेज़ है। दोस्तों, हम अनेक वर्षों तक अंग्रेज़ों के सरकार से गवर्न्ड थे, उनका रूल हम पे था, और इतना लंबा जो 100 वर्षों से अधिक हमारा एसोसिएशन था अंग्रेज़ों से, उसके कारण ये स्वाभाविक सी बात थी कि हमारे लीगल सिस्टम पे, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे अंग्रेज़ों का बहुत गहरा प्रभाव था। आज भी हम देखते हैं कि कितने ऐसे कानून हैं जो अंग्रेज़ों ने हमारे लिए बनाए थे, लेकिन आज भी हम उनसे गवर्न होते हैं। लेकिन जब हम संविधान की बात करते हैं दोस्तों, तो ये वो डॉक्यूमेंट नहीं है जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने हमारे लिए बनाया। तो ये संविधान हमारे लिए किसने बनाया? हमारे खुद के प्रतिनिधि, जो हमारे स्वतंत्र संग्राम में जिन्होंने नेतृत्व निभाया, ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट रही है एक सभा में जिसको हम संविधान सभा कहते हैं, और इस संविधान सभा ने हमारे लिए ये संविधान बनाया। इस संविधान सभा ने करीब 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना काल उन्हें लगा हमारा संविधान बनाने के लिए। और ये संविधान बनाने के पश्चात 26 नवंबर 1949 को इस संविधान सभा ने ये संविधान, भारत के संविधान को एडॉप्ट किया, और इसीलिए 26 नवंबर 1949 को डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन माना जाता है। दोस्तों, संविधान के संबंध में ये दो दिवस हैं, ये दो दिन हैं जो शायद हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। 26 नवंबर 1949, जिसको हम डेट ऑफ एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, और 26 जनवरी 1950 जिसे गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाते हैं, जिसको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। हमारे भारत के संविधान को बनाने की जो प्रक्रिया थी, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक संविधान सभा को बनाया गया था जिसमें हमारे प्रतिनिधि थे, और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी, जिनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। मैं जानती हूँ कि आप सभी ये बात मानेंगे
कि बस यूं ही नहीं डॉक्टर अंबेडकर जी को कॉन्स्टिट्यूशन का आर्किटेक्ट कहा जाता है। यदि हम हमारे संविधान सभा में जो डिबेट्स हुए थे उन डिबेट्स की तरफ यदि हम गौर से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि डॉक्टर अंबेडकर जी का कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है इस संविधान को बनाने के लिए। कुछ लोगों ने कहा कि भारत का संविधान इस देश में इस समाज में एक सामाजिक क्रांति लाएगा, कुछ लोगों ने कहा कि भारत का संविधान एक राजनीतिक क्रांति को लाने के लिए बनाया गया है, पर डॉक्टर अंबेडकर ने हर क्षण में ये इस चीज़ के बारे में वो बहुत केयरफुल रहे, बहुत इंसिस्टिंग रहे कि भाई इस संविधान के द्वारा हम इस देश में सोशल रेवोल्यूशन तो लाएंगे ही, उसके साथ साथ एक पॉलिटिकल रेवोल्यूशन लाना ये इस संविधान का ध्येय था। दोस्तों, हम देखते हैं कि पिछले कुछ 5 साल में शायद हमारे देश में 26 नवंबर इस दिवस पर संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने का एक नियम बनाया गया है। अब हम आज के दिन जब संविधान के बारे में सोच रहे हैं तो यदि इस प्रस्तावना की तरफ देखें, हमारे संविधान की शुरुआत एक छोटे से पैराग्राफ के साथ होती है जिसको प्रस्तावना कहा जाता है, और ये प्रस्तावना जो हमारे संविधान की शुरुआत जिस प्रस्तावना से होती है, मैं मानती हूँ कि ये प्रस्तावना हमारे संविधान का एक आभूषण है, जिसे भी थोड़ा भी सेंस ऑफ राइम और रिदम जिसमें होगा वो ज़रूर ये जान पाएगा दैट व्हाट इज़ द ब्यूटी इन द प्रीएम्बल टू इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान की शुरुआत जो होती है वो बहुत ही एम्पावरिंग शब्दों से शुरुआत होती है, और ये शुरुआत है हम भारत के लोग। द प्रीएम्बल टॉक्स अबाउट इट बिगिंस विद द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हमें ये बताते हैं, जो बात मैंने इसके पहले भी कही कि भाई ये संविधान हमने हमारे लिए बनाया हुआ संविधान है। भारतीय संविधान के बारे में दोस्तों अक्सर ये कहा जाता है कि ये संविधान एक बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है, जहां अनेक अलग अलग देशों के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने कुछ चीज़ों को उठा के हमारे संविधान में लाया। वास्तविकता में मुझे पर्सनली बोरोड ये शब्द का उपयोग पसंद नहीं यहाँ पर, क्योंकि हमने बोरो इस सेंस में तो नहीं किया कि हमने कहीं से उसको कॉपी पेस्ट करके हमारे देश में लाया। हमारा संविधान बनाने की हमारी जो प्रक्रिया थी, वो जो पॉइंट ऑफ टाइम में इसकी शुरुआत हुई, संविधान सभा की सबसे पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 में। अब ये ऐसा काल था, ऐसा समय था दोस्तों, जब बाकी देशों के बाकी डेमोक्रेसीज के संविधान इस साल तक ऑलरेडी बन चुके थे, बहुत सालों पहले बन चुके थे, और उनके संविधान के अंतर्गत गवर्नेंस का उनके पास अनुभव था। तो हमारे लिए जो सबसे स्वाभाविक चीज़ थी, जो हमने करनी चाहिए थी, कि भाई ये अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ेंगे, उनके अनुभवों पे रिसर्च करेंगे और उसके अनुसार उनके कहाँ गलतियाँ हुई, क्या उनकी सक्सेस स्टोरीज थी, उसके बेसिस पे हमने एक क्लू लिया बाकी देशों के संविधान से। सो हमने अमेरिका के संविधान को पढ़ा, ब्रिटेन के संविधान को देखा, हालांकि उनका एक अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लेकिन फिर भी उनके कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस को हमने पढ़ा, और हमारे लिए इसमें से क्या सूट होगा क्या नहीं, क्या मॉडिफिकेशंस हमको इसके अंदर करना ज़रूरी है, इस पर रिसर्च करके हमारी संविधान सभा ने हमारे लिए एक बहुत ही पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए पेश किया। अब ये जो संविधान है, ये किस प्रकार का राष्ट्र निर्माण करना चाहता था, यदि हम इस प्रश्न का उत्तर खोजें तो मैं समझती हूँ इस संविधान की प्रस्तावना को देखते हैं तब हम समझ जाएंगे कि किस प्रकार का राष्ट्र हमें निर्माण करना था।
आप देखिए ये प्रस्तावना में हम क्या शब्दों का उपयोग करते हैं, इंडियन पॉलिटी को कौन से शब्दों से हम डिस्क्राइब करते हैं। प्रस्तावना में हम कहते हैं हम भारत के लोग भारत को एक संपन्न प्रभुत्वपूर्ण समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। ये एक स्वप्न हमारे हमारे लीडर्स ने इस देश के लिए देखा था। हमने कहा कि भाई हम एक सॉवरन नेशन है। जब हम सॉवरन कहते हैं हम कहीं ना कहीं अपने आप को ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, हम दुनिया को ये बताना चाह रहे थे कि भाई इस देश में द सोर्स ऑफ ऑल अथॉरिटी लाइज इन होम इन वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोगों में ये सुप्रीम पावर है। इसीलिए इस देश के अंदर कैसे किस प्रकार के कानून बनेंगे, कौन से पॉलिसीज़ हम कैसे बनाएंगे, इसका निर्णय हम खुद हमारे लिए लेंगे। ये कोई और बाहर के देश हमें नहीं बता सकते हैं कि किस प्रकार के कानून इस देश में इस भारत के लोगों के लिए बनने चाहिए। ये जो सॉवरन पावर है, सुप्रीम पावर है, ये हमारे हाथ में है। इसकी घोषणा हम करते हैं जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत देश को एक सॉवरन स्टेट डिक्लेयर करते हैं। वैसे ही भारत ने कौन से देश के साथ कौन से ट्रीटीज़ को साइन करना चाहिए, कौन से अग्रीमेंट्स को हमने, किस अग्रीमेंट का हिस्सा हमने बनना चाहिए, किसका हिस्सा हमने नहीं बनना चाहिए, इसके सारे निर्णय हम खुद हमारे लिए लेते हैं। यही मतलब होता है जब हम अपने देश को सॉवरन स्टेट डिक्लेयर करते हैं। एक समाजवाद, हम यदि प्रस्तावना की तरफ देखते हैं तो हमारी प्रस्तावना कहती है वी सॉलमली अफर्म टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरन सोशलिस्ट। एक समाजवादी तत्व लेकर इस समाज का, इस राष्ट्र का निर्माण हम करना चाहते हैं। हमने कहा कि भाई इस देश के अंदर हमें क्लासलेस सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं, जिसमें कोई भी प्रकार की इकोनॉमिक इक्वालिटी इनइक्वालिटी ना हो, जहां रिच और पुअर ऐसे प्रकार के क्लासेस में विभाजित ना हो जाएं, ऐसा समाज निर्माण करने का स्वप्न हमने इस संविधान के अंदर कैप्चर किया हुआ है। तो हमने कहा कि समाजवादी तत्वों पर हम इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे। लेकिन 1950 में जब भारत देश स्वतंत्र हुआ था और हम एक न्यूली बॉर्न स्टेट थे, उस समय हमें कंप्लीट सोशलिज्म को एडॉप्ट करना संभव नहीं था। और इसीलिए हमने कहा कि भाई देखो, हमारे ध्येय तो ये हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव तो ये हैं कि हम एक सोशलिस्ट सोसाइटी को निर्माण करें, लेकिन कंप्लीट सोशलिज्म संभव ना होने के कारण हमने मिक्स्ड इकोनॉमी ये मॉडल को हमारे देश में अडॉप्ट किया। फिर प्रस्तावना में यदि हम आगे जाते हैं तो हम कहते हैं पंथ निरपेक्षता, ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव है। हम किस प्रकार का स्टेट निर्माण कर रहे हैं, ऐसा स्टेट जो सेक्युलर रहेगा। इसीलिए सेक्युलरिज्म या पंथ निरपेक्षता, ये हमारे संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टरिस्टिक है। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि भारत में कईयों धर्म हैं, कई भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग कल्चर्स यहाँ पर है। अब यदि ये सब हमें इंटैक्ट रखना था, यदि हर धर्म की आइडेंटिटी को हमें इंटैक्ट रखना था, तो हमें सेक्युलरिज्म ये प्रिंसिपल को इसीलिए हमने अडॉप्ट किया। अब जब हम पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं, कुछ चीज़ें संवैधानिक तौर पर जब हम सेक्युलरिज्म की बात करते हैं तो दो महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ हमने ध्यान में रखना ज़रूरी है।
पहली बात कि हम कहते हैं कि स्टेट अपने आप को कोई भी धर्म के साथ एसोसिएट नहीं करेगा. सो वी टॉक ऑफ स्टेट न्यूट्रैलिटी इन मैटर्स ऑफ रिलीजन. कि स्टेट ये नहीं कह सकता है कि भाई हम हिंदू धर्म फॉलो, हम एक हिंदू राष्ट्र है, हम एक मुस्लिम राष्ट्र है, हम एक क्रिश्चियन राष्ट्र है. तो स्टेट अपने आप को कोई भी धर्म के साथ एसोसिएट नहीं करेगा. ये एक पहला प्रिंसिपल है सेक्युलरिज्म का. दूसरा जो प्रिंसिपल है वो हम ये कहते हैं कि स्टेट ने हर धर्म के प्रति समानता रखनी चाहिए. कोई भी कानून के द्वारा या कोई भी एक्शन के द्वारा कोई धर्मों के बीच डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए. ये सेक्युलरिज्म का प्रिंसिपल हमें बताता है. तो हमारे देश में सेक्युलरिज्म ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रिंसिपल है हमारे संविधान का. और वो यही सोचकर हमने अडॉप्ट किया था कि जो प्लूरालिस्ट सोसाइटी है हमारी, अलग अलग धर्म हैं, अलग अलग कल्चर्स हैं, भाषाएं हैं, इन सब को हमें यदि इंटैक्ट रखना था तो सेक्युलरिज्म ये एकमात्र हमारे लिए एक बेहतरीन चॉइस था. और वही हमारी प्रस्तावना हमको बताती है. हालांकि समाजवादी और पंथ निरपेक्षता ये दोनों शब्द हमारे प्रस्तावना में 1950 में नहीं थे. हमने उनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा ऐड किया. लेकिन हमारा संविधान अपने आइडियोलॉजी में हमेशा एक पंथ निरपेक्ष संविधान था. लोकतंत्र का निर्माण हमारे लिए ये शायद कोई विवाद का विषय भी नहीं था कि जब हम अंग्रेज़ों की सरकार से हमें स्वतंत्रता मिलेगी तो हम किस प्रकार का स्टेट निर्माण करना चाहेंगे. ये कोई वाद का विषय ही नहीं था क्योंकि डेमोक्रेसी इस देश के अंदर प्रस्थापित करना ये शायद हमने बहुत पहले ये डिसीजन हो गया था हमारे लिए. और वो एक ऑब्वियस चॉइस था क्योंकि दोस्तों हमें ये एक और बात ध्यान में रखनी है कि 1950 के पूर्व जब हम अंग्रेज़ों के अंदर थे, उनके राज्य में थे, तब भी गवर्नेंस के लिए उन्होंने एक कानून हमारे लिए बनाया था जिसको गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट कहा जाता है, 1935 साल का. और फिर 1950 में हमारे संविधान ने भी एक गवर्नेंस का फ्रेमवर्क हमारे सामने पेश किया. लेकिन ये 35 एक्ट और 1950 का संविधान, इसमें यदि हम अंतर देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि 1935 का जो कानून था, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था इस देश को गवर्न करने के लिए, वो एक अथॉरिटी सेंट्रिक कानून था. मतलब उस कानून के अंदर हमने बस सरकार के क्या पावर्स होंगे, उनकी क्या अथॉरिटी होंगी, बस ये चीज़ों का को लिखा गया था. लेकिन 1950 का जो संविधान है वो अथॉरिटी सेंट्रिक नहीं है. जो मॉडल ऑफ गवर्नेंस ये संविधान हमें देता है ये लोगों के राइट्स पर केंद्रित किया हुआ संविधान है. इस संविधान ने एक डेमोक्रेसी का निर्माण किया इस देश में और लोगों को फंडामेंटल राइट्स इस संविधान के द्वारा दिए गए हैं. तो जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, हम सबको पता है, हम कहते हैं डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. मतलब जो सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो लोगों में होती है. और इसीलिए ये 1950 का जो संविधान है ये एक बहुत बड़ी कौन सी क्रांति इस देश में इस संविधान ने लाई कि इस देश में हमने एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को अडॉप्ट किया इस संविधान के द्वारा. और आज इस देश में लोकतंत्र होने के कारण आपको, मुझे, हम सबको बोलने का स्वातंत्र, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो मिला है,
या जो हम हमारी सरकार को चुन के लाते हैं, ये सारे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के कारण संभव हो पाता है। तो आप और मैं ये गवर्नेंस के प्रोसेस में कहीं ना कहीं पार्टिसिपेट करते हैं। ये शायद इस संविधान की सबसे बड़ी जीत है कि हमने जो अथॉरिटी सेंट्रिक सोसाइटी उस समय देखी थी, उससे जो परिवर्तन इस संविधान के द्वारा हमने लाया कि हमने एक राइट सेंट्रिक, पीपल सेंट्रिक समाज को हम निर्माण कर पाए हैं इस संविधान के वजह से। और फिर हम कहते हैं गणराज्य भारत को हमने एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। गणराज्य का मतलब होता है कि जहाँ हेड ऑफ स्टेट, जो राष्ट्रपति हमारे देश में हेड ऑफ इंडियन स्टेट हैं, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो जहाँ पर हेड ऑफ द स्टेट ये लोगों के इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उस देश को हम रिपब्लिक कहते हैं। तो इस संविधान के द्वारा हमने भारत को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। जैसे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों में इंग्लैंड ये एक मोनार्की है, उनके देश में जब किंग या क्वीन जो हेड ऑफ द स्टेट हैं, नेक्स्ट किंग कौन होगा ये इलेक्शंस के द्वारा नहीं डिसाइड किया जाता है। तो वहाँ पर मोनार्की है, लेकिन हमने इस देश में मोनार्कियल गवर्नमेंट को रिजेक्ट किया और हमने भारत को एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया। अब संविधान में आगे यदि हम संविधान की प्रस्तावना को गौर से देखते हैं, तो आगे तीन शब्द ऐसे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं हमारे लिए। प्रस्तावना ये कहती हैं कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस की बात करती हैं ये प्रस्तावना। हमारी प्रस्तावना सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय की बात करता है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। ये प्रस्तावना हमें ये बताने की कोशिश करती हैं कि भाई सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल जस्टिस इस देश के अंदर हम लाना चाहते हैं, ये हमारी कमिटमेंट है भारत के लोगों के प्रति, ये प्रस्तावना हमें बताती हैं। दोस्तों, हम ये चीज़ को हमें ध्यान में रखना है कि जब ये संविधान हमने बनाया, तब अनेक विविध प्रकार की समस्याओं से हमारा देश घिरा था। कहीं महिलाओं की समस्याएं थीं, बैकवर्ड क्लासेस की समस्याएं थीं, पॉवर्टी ये एक था, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक प्रॉब्लम था। ऐसे अनेक समस्याओं से हम उभर कर आना चाहते थे और इस देश को एक ग्लोबल मैप में एक पोजीशन देने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए जब ये संविधान हमने बनाया, हमने कहा कि भाई इस देश में एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होगा विच विल बी कमिटेड टू द आइडियाज़ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस। वैसे ही हम प्रस्तावना में ये भी कहते हैं कि समानता, स्वतंत्रता एवं बंधुता, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये तीन शब्दों को बहुत एम्फसिस देके इस प्रस्तावना में डाला गया है। और हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के यदि स्पीचेस पढ़ते हैं, संविधान सभा में जो उन्होंने स्पीचेस दिए, तब वो हमें बहुत कन्विंसिंग पद्धति से हमें ये बताते हैं कि कैसे यदि इस देश को हमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र बनाना है, तो ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं, समानता, फ्रेटर्निटी मतलब बंधुता, एवं स्वतंत्रता लिबर्टी, ये तीनों को हमें एक साथ जोड़ के देखना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने कहा दिस इज़ अ गोल्डन ट्रायंगल, कि आप कभी भी स्वतंत्रता को समानता या बंधुता से तोड़कर नहीं देख पाओगे। आप समानता को जब समझने की कोशिश करो, तो स्वतंत्रता और बंधुता को साथ में लेके उसको समझना होगा। तो लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों जो वैल्यूज़ हैं हमारी प्रस्तावना में, उस पे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बहुत गहरी तरह से उस पे गौर करके इसका महत्व हमें समझाने की कोशिश की है। क्योंकि हमारा समाज एक ऐसा समाज था जो अलग अलग बेसिस पे बटा हुआ समाज था। तो कास्ट के प्रॉब्लम्स थे,
अनुसूचित जातियों के प्रॉब्लम्स थे, धर्म के बेसिस पे हम विभाजित हो चुके थे। ऐसे समाज में यदि हमें कोई क्रांति लानी है तो डॉक्टर अंबेडकर जी का मानना था कि इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये तीनों को एक साथ जोड़कर हमें देखना ज़रूरी है। फिर इसके आगे एक और जो ब्यूटी है हमारे संविधान के प्रस्तावना की, वो बात करती है इंसान की गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी, और इस देश की एकता और अखंडता, ये दोनों को जोड़ने की कोशिश इस प्रस्तावना में की गई है। और हम पिछले 70 साल से अधिक जो हमारी जर्नी रही है उसमें यदि हम देखें तो हमें दिखाई देता है कि सर्वोच्च न्यायालय से जो निर्णय लिए जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के संबंध में, हमारे मूलभूत अधिकारों के संबंध में, वहाँ हम इंडिविजुअल्स की डिग्निटी, इसको एक बहुत ब्रॉड तरीके से आज देखा जा रहा है। अब ये सारी चीज़ों को, ये सारे महत्वपूर्ण वैल्यूज़ को हमारे संविधान की प्रस्तावना में इंक्लूड किया गया है। और इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर जी ने कैसे मूलभूत अधिकार किस प्रकार से इस देश के लोगों को दिए जाएं, ये गारंटीज इस संविधान के द्वारा दिए जाएं, इसके बारे में भी संविधान सभा में एक बहुत बहुत एम्फैटिकली इस पे बात की है। और इसीलिए आज आप और मैं जो मूलभूत अधिकार को एंजॉय करते हैं, ये इस संविधान ने हमें दी हुई एक भेंट है, एक गिफ्ट है। दोस्तों, ऐसे पावरफुल और बहुत महत्वपूर्ण संविधान से आज आप और मैं गवर्न होते हैं। ये संविधान के द्वारा हमें इतने अधिकार आज मिले हैं, आइए इन अधिकारों का सही मायने में, सही ढंग से उपयोग करके एक ऐसे राष्ट्र को निर्माण करने में हम लग जाएं जिसका स्वप्न हमने 1950 में देखा था। नमस्कार।